और कबूतरों को दाना पड़ गया है, ये देखिए फ्रेंड्स। उसके बाद इन्होंने कबूतर अपने खोले हैं, कबूतर टाइम छोड़ के भाग चुके हैं फ्रेंड्स। ये देखिए टाइम आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, 8:55 हो रहा है फ्रेंड्स। और पट्टे भी मैंने बंद कर दिए हैं और मेरा कबूतर मैंने रोक रखे हैं कि वो खोले, लेकिन फ्रेंड्स अब टाइम ज़्यादा हो गया है, मुझे भी काम पर निकलना है। आप टाइम देख सकते हैं फ्रेंड्स, 8:23 हो गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज है 9 सितंबर और आप लोगों को दिखाऊंगा 9 सितंबर का, जा रहा हूँ कबूतर खोलने फ्रेंड्स। उससे पहले आप लोगों को दिखा दूँ, आज भी फ्रेंड्स जो है हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, मौसम एकदम गुम है। आइए खोलते हैं कबूतर और देखते हैं आज क्या रहता है, कबूतरों में लड़ाइयाँ होती है या नहीं होती है, जो भी होता है फ्रेंड्स आप लोगों को दिखा दूँ। आओ फ्रेंड्स, कबूतर खोल दिए हैं और मौसम जो है बहुत ही ज़्यादा शांत है आज, मतलब बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, ना पुरवा ना पछियो। आप लोगों को दिखा दे ठंडा, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है फ्रेंड्स इस मौसम में, ये गर्मी बड़ी ख़तरनाक है, बिल्कुल खड़े होने लायक नहीं है, ज़्यादा देर कबूतर खोलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों ने कबूतर में तगड़े कर लिए तो बल ज़्यादा ले रहे हैं आजकल फ्रेंड्स, लड़ाइयाँ में करने पड़ते हैं, मजबूरी है। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने इन्हें चिकाव दिया था, जिससे थोड़े से भारी हो जाए, गोल हो जाए, मतलब इन द सेंस। फ्रेंड्स अगर आप लोग अपने कबूतर दौड़ा रहे हैं और उन्हें लड़ैया पे डालना है तो मेरा कहना यही रहेगा, 1 से 2 दिन उन्हें ज़रूर रोक लें, उसके बाद ही लड़ैया पे डालें, क्योंकि वो रुक जाएगा तो आप उसे चिकना सकते हैं और थोड़ा सा गोल कर सकते हैं, जिससे कबूतर के गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं फ्रेंड्स। दौड़ का कबूतरों के गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है जब कबूतर दौड़ पर होता है तो दाना भी कम होता है और कबूतर भी पतला होता है, तो इस वजह से फ्रेंड्स दिक्कतें आती हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो मौसम है ये लड़ैया का है ही नहीं, ना लड़ैया का ना दौड़ का, ये तो सिर्फ खेल पानी पे कबूतर उड़ रहा है, और इसके अलावा अगर आप उड़ाने की कोशिश करेंगे तो कबूतर बिल्कुल भी नहीं उड़ेगा। आप कबूतरों की परगिरी देख सकते हैं, कबूतर सीधे जहाँ पर लड़ैया चल रही है उसी साइड को बार बार बढ़ जाता है बिना रुके, आप देख सकते हैं वहीं आसपास से ये आ रहा है, इसके पीछे कबूतर इस समय सिर्फ ये देख रहा है कहाँ से मुझे लड़ैया मिले, और लड़ैया मिलेगी तो कबूतर को दाना मिलेगा, ये कबूतर बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और इसी चक्कर में कबूतर भाग भी रहा है। अभी तक हवा पकड़ रहा था, बिन हवा में भी फ्रेंड्स अगर पुरवा या पछियाव चल रहा था तो कबूतर उस साइड को भाग रहा था, लेकिन आज हवा बिल्कुल भी नहीं है और कबूतर गया है इस साइड, क्योंकि इधर लड़ैया है फ्रेंड्स और अभी तक पलटा नहीं है कबूतर, हो सकता है आगे बढ़ गया हो, कुछ कह नहीं सकते फ्रेंड्स कबूतर के बारे में, क्योंकि कबूतर को जब लड़ैया का दाना मिलता है, ये देखिए फ्रेंड्स ये आया कबूतर, और कोई लड़ैया नहीं हुई है कहीं भी, तो इन्हें बिठा लेने में ही फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादा थकाऊंगा नहीं मैं तो, अपने टाइम पर ही खोल रहा हूँ फ्रेंड्स कबूतर, लेकिन एक एक करके सब भागते चले जाएंगे, ऊपर कर लेंगे टाइम, क्यों और मेरे पे फ्रेंड्स समय नहीं है मैं कि ऊपर कर पाऊँ इस समय टाइम, क्योंकि मुझे निकलना भी होता है आप लोगों को पता है, तो निकलने के लिए कम से कम 1 घंटे पहले मुझे नीचे जाना है, तैयार होना, नाश्ता करना, उसमें समय लगता है, तो मैं उसी हिसाब से अपने कबूतर सेट करता हूँ। आ आ आ इसी वजह से फ्रेंड्स दिसंबर में कबूतरबाजी मेरी बिल्कुल ठप हो जाती है, क्योंकि दिसंबर में सुबह के टाइम में फ्रेंड्स बिल्कुल अंधेरा होता है, कोहरा उरा होता है, तो उस चक्कर में कबूतर बिल्कुल रोकने पड़ जाते हैं फ्रेंड्स। बाकी आप लोग देख सकते हैं कबूतरों को, आ आ आ आ आ, आ। फ्रेंड्स मैंने एक भाई का कमेंट पढ़ा था, उसके कबूतर खुजला रहे हैं, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो भाई अगर आपके कबूतरों की इचिंग हो रही है तो उनको चेक करिएगा, उनके लीखे या मक्खियाँ जो होती हैं वो तो नहीं है, अगर ऐसा है
तो उन्हें तुरंत आप या तो पोटेशियम परमैंगनेट फिटकरी से नहला दें। इसके अलावा आप दो काम और कर सकते हैं। एक काम जो सेफ है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो यही है कि जो लक्ष्मण रेखा आती है जिससे कॉकरोचेस के लिए यूज़ होती है, आप वो ले सकते हैं। उसे एक सूती कपड़े में बांध लें। सूती कपड़े में बांधने के बाद उसमें एक हल्का सा सुराख करके, जैसे पोटली बन जाती है, पाउडर करके उसे पोटली बनाएं और हर कबूतर के बगल में वो पोटली आप छिड़क दें। उससे क्या होगा, जितनी लीखे या मक्खियाँ होंगी सब चली जाएंगी। दूसरी चीज़ आप उसके साथ ये कर सकते हैं, लक्ष्मण रेखा को आप जिस पंडवास पे कबूतर बैठता है उस पंडवास पे आप लक्ष्मण रेखा लगा सकते हैं। लक्ष्मण रेखा आप जब उस पंडवास पे लगा देंगे तो उनके लीखे नहीं चढ़ेंगी और धीरे धीरे जो लीखे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये सबसे सेफ तरीका है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक थोड़ा सा रिस्की तरीका है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो बूटेक्स का नहान है। और उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको एक एक कबूतर पकड़ना होता है, पकड़ के गर्दन ऊपर करके बाकी उसे आप पानी में नहलाएंगे और धूप में छोड़ते जाएंगे। पहले एक बार बूटेक्स के पानी में नहलाएंगे, टब में पानी भर के बूटेक्स का, फिर उसे सादे पानी से निकालेंगे और छोड़ते जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स ये थोड़ा सा रिस्की होता है, इसमें अगर कबूतरों ने पर साफ़ करने के चक्कर में अपने परों पे चोच लगा ली तो आपका कबूतर उससे बीमार भी हो सकता है फ्रेंड्स। और एक और तरीका है जो मैंने लास्ट ईयर अपनाया था, वो था छुमंतर आती है फ्रेंड्स, जो जुओं के लिए आती है, इंसानों के किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। मैंने वो लगाई थी, वो इनके बगलों में लगाई थी, लेकिन थोड़ी सी गलती की वजह से मेरे कबूतर बिल्कुल मौत के मुंह से वापस आए थे। तो फ्रेंड्स मैं राय नहीं दूंगा, मैं आपको सेफ राय यही दूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ उसमें लक्ष्मण रेखा का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा सेफ है। फ्रेंड्स लगता है मनीष भाई ने टाइम चेंज कर दिया कबूतरों का, क्योंकि मुझे खोले हुए 25 मिनट हो चुके हैं और तीसरी हवा में कबूतर मार रहा हूँ। एक हवा तो मैंने आपको पहले ही दिखाई, उसके बाद एक हवा और मारी थी और कबूतर बिठाए भी रखा। 25 मिनट हो गए अभी तक हमारे मनीष भाई ने कबूतर रखते हैं। अब फ्रेंड्स ऐसा भी डर किस बात का कबूतरबाजी में, मेरे समझ में नहीं आता है। कबूतर ही तो पिटता है, लेकिन शौक़ तो होता है, शौक़ को दिखाना चाहिए। और फ्रेंड्स वो तो कबूतर ही नहीं खोल रहे। कबूतर तो मेरा भी पिटा तो मैं भाग गया गया टाइम छोड़ के, मैं तो इसी टाइम पे हूँ ना। और जब तक कबूतर लड़ नहीं रहे थे तब तक 20 दिन 25 दिन से इसी टाइम पे थे, मेरे टाइम पे जब मैं पुरवा पे दौड़ा रहा था, तो पूरी कोशिश में थे पुरवा पे, कबूतर देख रहे थे, देख भी रहे थे, पूरी अपने कबूतर के साथ कोशिश भी कर रहे थे दौड़ाने की। लेकिन फ्रेंड्स अब कबूतर रोक रखे। फ्रेंड्स कल वाला सीन दोबारा हुआ है, मैंने खोल के आधे घंटे उड़ा के बंद कर दिए। मनीष भाई का इंतजार कर रहे हैं, अभी तक खोले नहीं इनने कबूतर। जब तक मेरे पास समय तब तक इंतज़ार करूँगा। पट्ठों को मैंने दाना चुंगा के फ्रेंड्स बंद कर दिया है, वेट कर रहे हैं, मनीष भाई खोलते हैं कबूतर, तब आप लोगों को शौक कराएंगे। फ्रेंड्स जैसे कि आज है 9 सितंबर और मैं छत पे आया था, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो दिखाई। कल भी कबूतरबाजी बहुत अच्छी हो नहीं पाई क्योंकि हमारे जो सैदी हैं मनीष भाई, उन्होंने कबूतर बहुत लेट खोले थे। और आज भी मैंने टाइम से कबूतर खोले थे, आप लोगों को दिखाया था, इनके कबूतर नहीं खोले तो मैंने कबूतर बंद कर दिए। दौड़ता हुआ कबूतर रोका है फ्रेंड्स मैंने, और उसके बाद मैंने पट्टे खोल के पट्टे चुंगा के बंद कर दिए। आप लोग पट्टे भी मैंने बंद कर दिए हैं और मेरा कबूतर मैंने रोक रखे हैं कि वो खोले। लेकिन फ्रेंड्स अब टाइम ज़्यादा हो गया है, मुझे भी काम पर निकलना है। आप टाइम देख सकते हैं फ्रेंड्स 8:23 हो गए हैं और अभी तक कबूतर खुले, तो आज का शौक मुझे कैंसिल लगता है। भाई का कहना है कुछ परेशान कर रहे हैं। अरे ये बताओ टाइम पे वो आया था हमारे, हम उसके टाइम पे का ये बताओ, वो आया था टाइम पे, चलो भाग भी तो गया, खुद ही तो भागा वो, तो क्या करना है, छोड़ दे कबूतर। चलो फ्रेंड्स हमारे नूर भाई कह रहे हैं तो हम कबूतरों को खोल के दाना कर देते हैं पूरा इनका। फिर से कल से अपनी दोबारा से जर्नी चालू कर देंगे, जो कर रहे थे वही करेंगे, उड़ाएंगे। सैदी तो भाग गया हमारा, भाग गया तो भाग गया, उसे छोड़िए। एक हवा मार लेते हैं फ्रेंड्स कबूतर और उसके बाद तावे लगा के इनको बंद कर देते हैं और कल से इन पे कार्रवाई करेंगे आगे दौड़ाने की। चलो फटाफट मार लो, 10 मिनट है, 10 मिनट में मारो उड़ो और फिर इनको दाना देके बंद करते हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो ही गई है। हाँ फ्रेंड्स कबूतरों को तावे लगा दिए, हमारे सैदी भाई भाग गए समय छोड़ के क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया।
हाँ दोनों एक से अमीर है, वो अंदर वाला भी अला भी। आओ फ्रेंड्स इनको तावे लगा के अब हम निकलते हैं अपने काम पर। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने अपने कबूतरों को दाना डाल दिया है और अब मनीष भाई ने कबूतर खोले हैं, जब उनने देख लिया तावे लग गए हैं और कबूतरों को दाना पड़ गया है। ये देखिए फ्रेंड्स उसके बाद इन्होंने कबूतर अपने खोले हैं, कबूतर टाइम छोड़ के भाग चुके हैं। फ्रेंड्स ये देखिए टाइम आपको दिखा देता हूँ, फ्रेंड्स 8:55 हो रहा है फ्रेंड्स और मेरा टाइम हो चुका है निकलने का, मुझे फटाफट नहा के जाना है बाहर क्योंकि आज मुझे बधाइयों जाना है फ्रेंड्स और मुझे हो जाएगी देर, इसलिए मैं अब समय इन्हें नहीं दे पाऊँगा। लेकिन फ्रेंड्स सीधी सी बात, सैदी समय छोड़ के भाग गया, मैं साफ साफ कहूँगा सैदी समय छोड़ के भाग गया, अपने आप ही समय पे आए थे मेरे टाइम पे। कबूतर दौड़ा रहा था और दो दिन की लड़ाइया में इनके मैंने 4 कबूतर पकड़े और इन्होंने मेरे 2 कबूतर पकड़े और उसके बाद ये समय छोड़ के भाग गए फ्रेंड्स। और जो 4 कबूतर फ्रेंड्स इनके मैंने पकड़े हैं उसमें एक इनके यहाँ जो लड़का आता है उड़ाने अमन, उसकी बराबर में छत है, वो कह रहा है वो कबूतर मनीष भाई का नहीं है मेरा है, चाहे किसी का भी हो तुम मनीष एक के यहाँ से उड़ा रहे हो तो कबूतर तो 4 कबूतर इनके हो गए और इनने हमारे 2 कबूतर पकड़े हैं फ्रेंड्स। कबूतर बंद कर दिए, पानी रख के मैं निकलता हूँ फ्रेंड्स।